मैंने ये जो सिक्स क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं ना ये मैंने बच्चे लोगों को देखा है इसमें कन्फ्यूज होते हुए आज आप लोगों की कन्फ्यूजन पूरी तरीके से दूर होने वाली ही वाली है वीडियो स्टार्ट करते हैं बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू ऑल द डिफरेंस बिटवीन टू और टू वर्ड्स आई एम गोइंग टू स्कूल आई एम गोइंग टू वर्ड्स द स्कूल ये जो दो सेंटेंसेज है ना इसमें बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं तो जब हम आई एम गोइंग टू स्कूल जाते हैं ना तो मतलब मैं स्कूल जा रही हूँ पढ़ने के लिए मैं स्कूल जा रही हूँ और जब मैं कहती हूँ कि आई एम गोइंग टू वर्ड्स द स्कूल तो मतलब मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ मैं स्कूल की तरफ से होते हुए मैं कहीं जा रही हूँ तो आई होप आज के बाद से ये जो टू और टू वर्ड्स का जो कंसेप्ट था वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो जब आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जा रही हूँ पढ़ने जा रही हूँ खेलने जा रही हूँ कूदने जा रही हूँ लड़ाई करने जा रही हूँ दो, दो चार लोगों के बाल नोचने जा रही हूँ तो आप बोलेंगे लेकिन जब आप स्कूल नहीं जा रहे हैं आप स्कूल की तरफ से कहीं जा रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल और मेरी तरह बिल्कुल बिल्कुल सही ओवर एक्टिंग भी कर लेनी है लेकिन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है सो so, जो पहला मैंने बनाया है ये जो सेंटेंस वो है ही स्लीपिंग डैश द बेड मुझे बताइएगा कि ये स्लीपिंग के बाद यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन आएगा और इन्हीं में से कोई कुछ कोई आएगा या तो इन आएगा ऑन आएगा विद दैन टू कम बाई इन टू ओवर एक्रॉस अप एलोंग सो ये जो छः मैंने ये सेंटेंसेज लिखे हैं इसको मैं फटाफट रीड कर लेती हूँ आप लोग इसका जो टेस्ट है वो नोटबुक में दीजिएगा और फिर जब मैं यहाँ पे आंसर्स लिखूंगी तो आप लोग करेक्ट करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा किसके कितने मार्क्स आए सो ही इज स्लीपिंग डैश द बेड ही fell dash the well come dash me put a blanket dash the baby या फिर sleeping baby या baby भी आप इसे बोल सकते हैं I came dash scooter या फिर आप bike बोल सकते हैं he is better dash and senior dash हिम, सो so, ये कुछ से छ थे और इन्हीं और ये कुछ ऑप्शन हैं, इन्हीं को देख के आपको इसको फिल करना है और मुझे कमेंट्स में आपके कितने मार्क्स आए वो बताने हैं मैं साइड हो जा रही हूँ जिन जिन लोगों को लगता है कि दे शुड टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो आई होप आप लोगों ने ये जो छे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इनके आंसर्स आपने लिख लिए होंगे now is the time for me to tell you all the answers so he is sleeping in the bed bhi ho sakta hai on the bed bhi ho sakta hai theek hai ab ye jo in और on है इसके बीच का difference क्या है Normal हम bed पे लेटे हुए हैं बिना चादर लिए हुए तो हम बोलते हैं ही स्लीपिंग ऑन द बेड लेकिन जब हम बेड पे सो जाते हैं ब्लैंकेट लिया है और ब्लैंकेट को अपने आप को कवर कर लिया है सो गए हैं ब्लैंकेट के साथ मतलब कुछ सोच रहे हैं तो हम बोलते हैं ही इज स्लीपिंग इन द बेड सो ऑन द बेड और इन द बेड दोनों ही ठीक है स्पोकन इंग्लिश में आप लोगों को इतना जानने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बोलूँ मैं ही स्लीपिंग आपको कम्पटिटिव एग्जाम्स देने नहीं जा रहे हो कि आपको ये चीज़ों को याद करने की जरूरत है कि मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ ही he... मैं बोलूँ आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड बोलूँ इन द बेड बोलूँ आपका जो मन करे आप वो बोलिए इन भी करेक्ट है और ऑन भी करेक्ट है जस्ट से वॉट यू वॉन्ट नाउ ही फेल डैश द वेल अब काफ़ी सारे लोगों ने इस पे लिखा होगा ही फेल इन द वेल बट ये गलत है और गलत इसीलिए है क्योंकि ये जो ही है ही से हमको समझ में आता है कि किसी मेल के बारे में बात हो रही है उस मेल ने पिछले वीडियो में मैंने आपको इंटू बताया था ना कि जब भी कोई मूवमेंट होती है तो उसके लिए हम इंटू का यूज करते हैं सो ही फेल क्योंकि जो वेल है जो कुआँ है वो नीचे है है ना तो आपने ऐसे करके उस कुएं में आप गिर गए आप उस कुएं में ऐसे करके गिरे हो और अंदर गिरे हो ना तो अंदर का मतलब तो इन हो गया और क्योंकि मूवमेंट हुआ है तो टू आएगा तो यहाँ पे आएगा इन टू सो ही फेल इन टू द वेल आई होप ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया है कि इन टू हम तब लगाते हैं जब कोई मूवमेंट हो रहा होता है फॉर एग्जाम्पल मैं स्विमिंग पूल में कूद गई या गिर गई सो आई फेल इन टू द स्विमिंग पूल या आई जम्प इन टू द स्विमिंग स्विमिंग पूल दोनों ही सही है यहां पे इन in नहीं इन टू आता है फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट अब यह है कम टू मी भी ठीक है और कम विद मी भी ठीक है दोनों ही सही है सो दैट्स ओके अब यह आता है पुट अ ब्लैंकेट ऑन काफी सारे बच्चे लोगों ने यहाँ पे ऑन लिखा होगा लेकिन ऑन नहीं आ रहा है कोई मुझे ना ब्लैंकेट ओढ़ा रहा है तो उसके लिए ना हम ओवर का यूज करते हैं पुट अ ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग बेबी और ओवर मी तो यहाँ पे ना ओवर आएगा ओवर इज करेक्ट आई केम जब भी हम स्कूटर या बाइक से ऐसी चीज़ों से आते हैं जो खुला स्पेस है या साइकिल हो गया बाइसिकल हो गया तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ऑन सो आई केम ऑन बाइक आई केम ऑन स्कूटर और ये जो लास्ट सेंटेंस है ही इज बेटर अब आपको पता है ना जब भी हम कोई कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हम दैन लगाते हैं सो आई एम बेटर दैन यू ही इज बेटर दैन मी कंपैरिजन के लिए हम दैन लगाते हैं सो ही इज बेटर यहां पे आएगा दैन और एंड सीनियर टू हिम सो ही इज बेटर दैन एंड सीनियर टू हिम सो so, अब आप मुझे बताइए ये जो छः क्वेश्चन मैंने लिखे हुए थे किस किस के फुल मार्क्स आए और किस किस के मार्क्स कटे हैं और कहाँ कटे हैं ये जो प्रेपोजिशन ये जो चैप्टर है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल डूइंग मिस्टेक्स दे डोंट नो वेयर टू यूज इन एट बाई ऑन और ये जो तीन वीडियोस मैंने प्रेपोजिशंस की अपनी चैनल पर बनाई है ना आई होप इससे आपका वो प्रेपोजिशन क्लियर हो गया होगा जिस पे आपको सदियों से डाउट रहा होगा क्योंकि मैं ना मेरे जो वीडियोस की जो कंसेप्ट है ना मैं आप लोगों को आप लोगों की सिर्फ डाउट्स क्लियर करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे लोग कहाँ कहाँ पे गलती करते हैं उनको कहाँ पे पता नहीं होता है क्योंकि मैं खुद अपनी गलतियों से सीखी हो तो जब मेरी जो गलतियाँ होंगी वही आप लोगों की भी गलतियाँ होंगी सो so, वहाँ पे हम दोनों कनेक्ट कर जाते हैं तो इसी वजह से ये सारा कंसेप्ट आता है एंड आई एम डैम श्योर इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी और अब हम कब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय